जोधपुर की होगी, जहां पर एसपीओ से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मामला जरौंधा गांव का है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर के बाहर बदमाश अवैध रूप से शराब बेच रहे थे, जिसके बाद एसपीओ हरीश जांगड़े ने बदमाशों को शराब बेचने से मना किया। विवाद बढ़ने के बाद बदमाशों ने एसपीओ हरीश जांगड़े के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद एसपीओ ने तगतपुर थाना पहुंचकर आरोपी विनोद रंजित और दुर्गेश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विनोद जी नहरे आए थे, यहाँ पे ताला तोड़ा है, उसके बाद जो है आकर के यहाँ खाद्य सामान था उसको भिजवास दिए हैं, उसके हाथ में चाकू था, राड था और चैन था, उसमें मारने का धमकी दिया, गंदी गंदी गाली बक रहा था, जान से मारने की धमकी दे रहा था, मेरा गाड़ी का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है। अपने साथियों के साथ में एसपीओ वहाँ 11:30 बजे रात को आके फिर मारपीट किया और साथ में खाद्य सामग्री, कुर्सी या जो भी सामान मौजूद था मजदूरों के लिए, खाना बनाने का चूल्हा हो गया, सबको तोड़ फोड़ करके अस्त व्यस्त कर दिया। एसपीओ की शराबी ने जो वहाँ पे अवैध रूप से शराब बेच रहा था उसको रोकने का वो किया, तो उसके द्वारा मारपीट की गई, जिस पर एसपीओ की शिकायत पर तखतपुर में शराबी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बालाघाट जिले के तिरोड़ी जनपद में